नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट और 2005 से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि हम सर्वाइकल का मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि सर्वाइकल के मनकों की सेटिंग कैसे करते हैं। सर्वाइकल के मनकों की अगर सेटिंग बिगड़ जाए तो क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी आ सकती है और क्या सिम्टम्स होंगे, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा और इसको कैसे हम ठीक करेंगे ये भी आपको सिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते हैं सर्वाइकल के सेटिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हम सर्वाइकल के मैनिपुलेशन यानी कि सर्वाइकल की सेटिंग कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम सेटिंग को कैसे चेक करते हैं कि सेटिंग बिगड़ गई है। उसके लिए आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ मैं आपको। ये सर्वाइकल का एरिया है, इतना एरिया सर्वाइकल का है। यहाँ से C1 से लेकर, क्योंकि C1 पर हमारे स्कल टिका हुआ है, C2 से लेकर C7 तक का एरिया ये है। जिसको भी सर्वाइकल के सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी, एक तो इन एरिया में पेन आएगा, यहाँ आप चेक कर सकते हैं, सपोर्ट से रखेंगे और यहाँ प्रेस करके चेक करेंगे। ये अगर यहाँ पेन है, अगर यहाँ पेन है तो इसका मतलब है कि सर्वाइकल का वर्टीब्रा अपने प्रॉपर नॉर्मल नहीं है। दूसरा, आप ये देखेंगे यहाँ प्रेशर देकर कि यहाँ पेन है या नहीं है। अगर यहाँ पेन है, आप इस तरीके से पूछ सकते हैं पेशेंट से कि यहाँ पेन है। अगर पेन है तो यानी कि उनके सर्वाइकल के वर्टीब्रा की सेटिंग ठीक नहीं है या वहाँ पर स्वेलिंग है। दूसरा, कई लेडीज़ में या जेंट्स में ये एरिया बहुत ज़्यादा उभार आ जाता है। इस एरिया के उभार में भी ये हमें इंडिकेशन करता है कि यहाँ पर हमारी सेटिंग कैसी है। दूसरा, अगला स्टेप ये है कि हम नेक्स्ट ये देख सकते हैं, ये जो आपके शोल्डर ब्लेड हैं इनमें भी पेन आ सकता है। ये शोल्डर ब्लेड है, इस शोल्डर ब्लेड को आप प्रेस करके पूछ सकते हैं पेशेंट से कि आपके यहाँ पेन है या नहीं है। ये वर्टीब्रा में अगर पेन है, यानी कि इस शोल्डर ब्लेड में पेन है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नर्व कंप्रेशन आ रहा है। तो पहला, आपको यहाँ पेन आएगा। दूसरा, यहाँ स्वेलिंग होगी। तीसरी, मैंने आपको ये शोल्डर ब्लेड के पास में आपने चेक करना है दबाकर कि यहाँ पेन है या नहीं है। और ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी आप प्रेशर देकर चेक कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं कि यहाँ के सर्वाइकल की सेटिंग को पता करने का। और यहाँ अगर पेन है तो यानी कि इसका मतलब है कि इनकी सर्वाइकल की सेटिंग ठीक नहीं है। अब हम इनके सर्वाइकल की सेटिंग को कैसे ठीक करेंगे ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इस सेटिंग के लिए आपने इस तरीके से पेशेंट को लिटाना है और इनकी गर्दन अपने हाथ पर रखनी है स्टैंड बनाकर, और एक तरफ से पहले इधर की तरफ खिंचाव देंगे, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने इधर की तरफ खिंचाव दे रहा हूँ। ये पूरा खिंचाव देंगे ताकि यहाँ की मसल्स खिंचेगी, और यहाँ से ये इस तरीके से, और फिर दूसरी तरफ ये। अब इनकी मसल्स यहाँ पर खिंचाव पड़ रही है और यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा और यहाँ जो स्टिफनेस है ये दूर जाएगी। इसके बाद में आप इनके गर्दन के पास में ये नीचे देखेंगे तो यहाँ क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे ये क्लॉकवाइज करना है, अपने हाथ पर गर्दन को सपोर्ट लेकर ये क्लॉकवाइज करना है। ये थर्ड स्टेप है। ये क्लॉकवाइज करने के बाद में दोनों हाथों की ग्रिपिंग लेनी है इस तरीके से, ये ऐसे रखकर ऐसे रखना है और ये हाथ गर्दन को इस तरीके से ग्रिपिंग लेनी है, और हल्का सा आपने जर्क ऊपर की तरफ देना है, यानी कि आप देखेंगे इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं कि मैंने जर्क ऊपर की तरफ दिया इस तरीके से पकड़कर। सपोर्ट जरूर रखना है, नहीं तो पेन ज़्यादा हो जाएगा। सपोर्ट पूरा लेकर हल्का सा पीछे की तरफ जर्क करेंगे, ये हल्का सा जर्क पीछे की तरफ देंगे और इनके मनके की सेटिंग ठीक हो जाएगी और यहाँ से ये दर्द निकल जाएगा, इनकी नॉर्मल शेप में वापस आ जाएगी सेटिंग। और फिर हल्का सा इधर टर्न करिए और फिर हल्का सा इधर टर्न करिए, लेकिन हमेशा सपोर्ट से ही करेंगे। अगर आपने सपोर्ट छोड़ा तो गर्दन में पेन आ सकता है। फिर लास्ट में इस तरीके से आप ग्रिपिंग रख कर ये हथेली यहाँ रखी और यहाँ से हल्का सा पीछे की तरफ जर दीजिए। ये खिंचाव है, इसे ट्रैक्शन बोलते हैं। ये न्यूरोथेरेपी का फिजिकल ट्रीटमेंट्स है। न्यूरोथेरेपी जब भी ट्रीटमेंट देती है तो दो तरीके से देती है, एक केमिकल तरीके से जो हमारे हैप्रिंस फॉर्मूले हैं फॉर्मूले के तौर पे, और दूसरा ये फिजिकल स्ट्रेचिंग, फिजिकल पॉइंट्स, ये हमारे सेटिंग करने का दूसरा तरीका है। ये सर्वाइकल की सेटिंग का लिटाकर हम सेटिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिकतम लोगों तक शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।